वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबको फिर स्वागत है। हम पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। हम लोग डिस्कस करते रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटेजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ये सब के बारे में हम बहुत सारे डिस्कस किए हैं, सारे पढ़ चुके। इसके बारे जो थियोरम थे एवोगैड्रो, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद हमारा जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग हम पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके। इसके बाद जो इरेशनल रूट टू इरेशनल नंबर क्या है, कैसे प्रूव करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो डीबी प्रोडक्शन बीजीएच जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन आंसर और ये सारे जो मैथमेटिक्स लेसन जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, निश्चित रूप में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा देना, जिसके कारण कि आप लोग का जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा इसको आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, और लेट नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे नेक्स्ट हमारा लेसन रियल नंबर्स का, जो पिछले लास्ट भाग है लेसन जो चैप्टर 1.4 जो एक्सरसाइज है, इसके इससे पहले जो सारे थियोरम है इसको इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें है जो रेशनल नंबर्स है, जो रेशनल के पी वाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन ऐसा कुछ है जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं है। तो इसमें दे रखा है वी विजिटिंग द रेशनल नंबर्स एट देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में है, और डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में है, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे पी बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे। कैसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे, सपोज 0.2 है तो नंबर है 0.2, इसको क्या करेंगे 2 बाय 10 करेंगे, ये आपको पता है पहले से, जो डेसिमल नंबर है इस डेसिमल नंबर को हम रैशनलाइज करते हैं, तो इसको करेंगे क्या करेंगे 2 बाय 2 × 5 कर सकते हैं, 2 बाय 2 × 5 कर सकते हैं। मान लीजिए 0.5 है तो क्या करेंगे 5 बाय 10 है तो 5 बाय 2 × 5 करेंगे, 2 बाय 2 × 5 जो नीचे जो नीचे करेंगे नीचे क्या होगा 10 या 10 का जो पावर्स होगा, इसी प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे 0.375 क्या होगा 375 बाय 1000, तो क्या होगा 375 बाय 10 पावर क्यूब, तो ये होगा 375 बाय 2 का क्यूब × 5 का क्यूब, हम इसी रूप में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 0.104 तो क्या होगा 104 बाय 1000, 104 बाय 1000, 104 बाय 10 पावर क्यूब, दिस इक्वल्स टू 104 बाय 2 का क्यूब × 5 का क्यूब। ऊपर का भी हम इसमें सरल कर सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ा बहुत सरल करेंगे तो 375 का हम अगर बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 5 7 35 2 35 5 25, ये होगा 5 35 5 5 5 25 25 होगा 5 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
इक्वल टू 3/2 का क्यूब हो सकता है। तो इसी प्रकार ये जो 104 इसको भी हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करेंगे तो उसका भी निकल सकता है 104 2 5 10 2 2 4 12 2 6 12 2 13 2 का क्यूब इंटू 13
जैसे को टू का क्यूब इंटू 13, तो क्या होगा ये टू का क्यूब जो होगा इसको एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे को टू 13 बाय 5 का क्यूब। इसी रूप में हम किसी भी नंबर अगर लिखेंगे तो नीचे क्या होगा 2 का क्यूब या 5 का क्यूब, 2 का या 5 का प्रोडक्ट जो ये नंबर रहेगा। इसमें दे रखा है तो जो हमारा थ्योरम, लेट x बी अ रैशनल रैशनल नंबर्स, हियर द डेसिमल एक्सपेंशंस, जो थ्योरम 1.5 है, लेट x बी अ रैशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट्स वेयर x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2n 5 वेयर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वेयर एनी डेसिमल नंबर्स, एनी डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, एनी डेसिमल नंबर्स ये रैशनल नंबर्स डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर्स, सो इफ इट इज रैशनल नंबर्स इट मेट मस्ट बी फॉर्म इन द p बाय q, p बाय q वेयर p एंड q आर कोप्राइम, वे हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास p एंड q आर, या p एंड q आर कोप्राइम, दैट मींस देयर इज कोप्राइम मींस द p एंड q आर कोप्राइम, इसका मतलब क्या होता है p और q है नंबर्स, इसके बीच में और दूसरे कोई कॉमन नंबर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं होगा, इसका कोई कॉमन नंबर नहीं है, ओनली केवल वन होगा, वन इसके बीच में केवल कॉमन नंबर केवल वन होगा, देयर इज देयर को प्राइम दैट मींस देयर इज नथिंग एनी नंबर्स कॉमन नंबर्स ऑफ द p एंड q, और एक तो क्या है ये p q नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी तो आपको शर्त रखी है q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो डेसिमल नंबर्स है हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी भी p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां कि p और q दोनों को प्राइम है, जैसे इधर आया तो 5 बाय q, जैसे कॉमन आया था इसको हमको एलिमिनेट कर दिया, तो ये जो बचा ये को प्राइम है। इसी प्रकार ये जो इसमें भी 5 ऐड कर सकता है 1/2 होगा, इसमें 1/5 होगा, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसको को प्राइम बना सकते हैं, p बाय q को हम को प्राइम बना सकते हैं। अगर p बाय q को हम को प्राइम बना देंगे तो इसको ये जो हमारा जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है इसको वो साकार करेगा। तो इसी हिसाब से हम किसी भी वो जो टर्मिनेटिंग है, जितना भी टर्मिनेटिंग है सारे टर्मिनेटिंग को हम क्या कर सकते हैं इसी रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू ये जो 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर, एनी नंबर इज रैशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स का मतलब है ये जो टर्मिनेट है ये अनलिमिटेड नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है, इंफिनिटी तक नहीं जाएगी, वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और क्या x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q, हमको इसको p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ही है, बहुत जानने एकदम जरूरी है कि p एंड q आर कोप्राइम, कोप्राइम मींस इसके बीच में कोई साधारण संख्या अंक नहीं है, तो वेयर p आर कोप्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे q, q इक्वल्स टू q क्या होगा 2n 5m, ये फॉर्म में जरूर रहेगा, मतलब ये जो 2 का जो घातांक और 5 का घातांक ये दोनों ही रहेगा, दूसरे किसी नंबर में नहीं रहेगा, अगर दूसरे कुछ अगर q में रहा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर 2 by m 5m फॉर्म में अगर q को नहीं लिख सकते तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो ये रैशनल नंबर होगा, हम पहले से बता चुके हैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कब होगा जब डिनोमिनेटर या q इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ 2n इनटू 5 टू द पावर m, मतलब q जो q है डिनोमिनेटर है
ये डिनोमिनेटर अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो यही जो नंबर होगा ये रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल में गिना जाएगा। जैसे ये चीजें देखिए 5 1/5 1/5 2 to the power 0 5 कह सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 1। ये जो 5 है क्यू का जो 5 है 2 to the power 0 5 to the power 1 फॉर्म में है तो ये 2 to the power n इंटू 5 to the power n फॉर्म में है। ये दिस इक्वल्स टू 1/2 to the power 0 5 to the power 1 ये क्या होगा 1/2 to the power 1 5 to the power 0। ये तो ऊपर का जो है ऊपर का कोई मतलब नहीं है, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 to the power 3 दिस इक्वल क्या होगा 2/3 इंटू 5 to the power 0 ये समथिंग हो गया जो डिनोमिनेटर 2 to the power n इंटू 5 to the power n फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे ये डायरेक्टली 13/2 to the power 0 5 to the power 3 2 to the power 0 5 to the power 3 ये फॉर्म में आ गया, ये जो डिनोमिनेटर ये फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया तो ये सब टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर ये फॉर्म में हम नहीं लिख सकते तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसके बाद थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.5 में क्या दे रखा है, थ्योरम 1.5 में 5 में दे रखा है लेट x इक्वल्स टू p बाय q बी ए रैशनल नंबर्स, दैट मींस x इक्वल्स टू p बाय q, x इक्वल्स टू p बाय q इज ए रैशनल नंबर, और ये एक रैशनल नंबर है p बाय q को हम x को अगर रैशनल नंबर होगा तो such that the prime factorization of q is in the form of 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers then x is a decimal expansion which terminates। अगर q where q is in the form of टू टू दर एम फाइव टू दर एम ये फॉर्म में अगर होगा सो एक्स क्या होगा टर्मिनेटिंग, अगर ये फॉर्म में आएगा हम क्यू का अगर इसी फॉर्म में लिख सकते हैं तो जरूर ये एक्स होगा डेसिमल फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा मान लीजिए 3/8 एक तो नंबर लेते हैं 3/8 क्या होगा हम क्या करेंगे 3/2 का क्यूब होगा। तो ध्यान देंगे इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ये डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये 5 to the power 0 है, इसमें 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 है 2 to the power n 5 to the power m ये फॉर्म में आ गया तो ये अकॉर्डिंग टू योर थियोरम 1.6 है ये एक्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, हमको मालूम चल गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया तो ये होगा। तो हम क्या करेंगे इसको कैसे डेसिमल निकालेंगे, तो क्या करेंगे 2 to the power 3 जो है इसमें क्या करेंगे 5 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 5 to the power 3 125 बाय क्या होगा 8 इंटू 125 ये होगा 375/1000 दिस इक्वल टू 0.375। तो इसी प्रकार इसी रूप से हम क्या कर सकते हैं ये जो नंबर है हमारा जो एजम्पशन दे रखा है थ्योरम दे रखा है 1.6 इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसको डेसिमल में बना सकते हैं। पहले चेक करेंगे ये डेसिमल होगा कि नहीं, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। अगर चेक करेंगे वो वही फॉर्म में आ गया इसका क्यू 2 to the power n 5 to the power n फॉर्म में आ गया तो ऑटोमेटिक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अनदर एग्जांपल 13/125 तो क्या करेंगे ये जो 13/ क्या होगा 5 to the power 3 होगा तो ऑटोमेटिक ये टर्मिनेटिंग हो गया, 2 का 0 पावर 2 का पावर 0 है
तो टारगेट रिंग हो गया। तो ये जो फॉर्म है जो आ गया इसका क्यू, तो उसके क्या करेंगे फाइव डॉवर क्यू, ये क्या करेंगे इन टू टू डॉवर क्यू करेंगे, इन टू टू डॉवर क्यू करेंगे। तो 13 इंटू 8 बाय क्या होगा 125 इंटू 8 104 बाय 1000 0.104। इस रूप से हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 7/16, मान लीजिए एक नंबर है 7/16, इसका लिखा हुआ है, इसको हम पहला सोचेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, देखते हैं। तो क्या होगा 7/16 है और 2^4 हो गया, अगर 2^4 हो गया तो इट इज टर्मिनेटिंग। 5^4 क्या कर सकते हैं इसका, 5^4 इंटू 5^4, ऊपर भी 5^4 इंटू करेंगे, नीचे भी 5^4 इंटू करेंगे, तो उसमें आपको और कोई ऑटोमेटिक वो टारगेटेड डेसिमल बन जाएगा। और 7 × 5^4 5 × 25 25 × 125 125 × 625 625 फुल बाय ये 8 × 16 × 625 क्या होगा 7 × 5 = 35 3 × 7 = 14 14 × 3 = 71 7 × 6 = 42 42 × 1 = 43 बाय 16 × 5 = 88 8 16 × 2 = 32 32 × 8 = 44 16 × 6 = 96 96 = 400। तो दूसरा क्या होगा 0.4375 ये टर्मिनेटिंग में आ गया, ये ऑटोमेटिक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। तो ये हमारा जो थ्योरम 1.6, देन थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7, तो 1.7 क्या बोलता है, लेट x इक्वल्स टू p बाय q, लेट x इक्वल्स टू p बाय q वेयर p एंड q आर कोफ्राइम्स, वेयर p एंड q आर कोफ्राइम्स, यू नो जब x इक्वल्स टू p बाय q होगा, p एंड q आर कोफ्राइम, और क्या होगा q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी 0 नहीं हो सकता। और क्या बोलो क्या देखें, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^n वेयर, जहां कि ये जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन q को प्राइम्स, नॉट नेसेसरी p एंड q आर प्राइम्स, को प्राइम्स मींस वो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, लेकिन को प्राइम वो आपस में प्राइम है, मतलब उस दोनों को कोई साधारण संख्या नहीं है, तो ये को प्राइम्स है। तो q का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अगर ये इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^n, अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसका जो डिनोमिनेटर है q है, अगर 2^n 5^m फॉर्म में नहीं है, अगर नहीं आता है तो क्या होगा, इसमें दे रखा है नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^n वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो n और m है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो होल नंबर हो सकता है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आ सकता है और जीरो आ सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो नॉन ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों नहीं बोला, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यों बोला, क्योंकि जीरो एक तो है जो पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोले तो नेगेटिव वाले सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ओनली पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और जीरो रहेगा। सो इसमें लिख रखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ये जो एन और एम ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं है, तो इसमें क्या होगा, देन एक्स एज ए डेसिमल एक्सपेंशन, एक्स एज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जब ये इस फॉर्म में नहीं होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कैसे होगा,
देखते हैं, सपोज 10/7 एक तो हम देख रखा है, एक तो 10/7 हम क्या करते हैं, पहला डिवाइड करते हैं, 10/7, 7 1 जाए 7, क्या हुआ 3 30, क्या हुआ 7 4 जा 28, 2 अगेन 20, ये पॉइंट आ गया इधर, अगेन क्या होगा 7 2 जा 14, ये 6 आ गया 16 60, 7 8 जा 56, 4 आ गया 40, 5 जा 35, 5 50, 7 7 जा 49, अगेन आ गया 1, क्या होगा जब 10 हो गया क्या होगा फिर 7 1 जा 7 होगा, ये रिपीटिंग हो गया, मतलब इतना जो है ये सब रिपीटिंग रिपीटिंग होगा, इतना जो है 142857 ये सारे रिपीट होगा धीरे धीरे धीरे, 142857 142857 142857, ये धीरे धीरे रिपीटिंग होगा, तो क्या होगा ये दिस इक्वल्स टू 1.42857 142857 1, ये जो 142587 857 ये धीरे धीरे रिपीट होते चलेगा, जब रिपीट होते चलेगा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि ये जो 7 है इसको हम 2^n × 5^n फॉर्म में कभी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम इसी रूप में हम नहीं लिख सकते, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो हमें आएंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4, ये जो एक्सरसाइज 1.4 दे रखा है उसमें क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, विथाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, बिना करके हम कैसे पता चलेगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके होगा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हम बिना डिवीजन के कैसे बताएंगे, जैसे देखा है 13/3125, ये जो डिवीजन है 13 को अगर हम इसमें डिवीजन करेंगे तब पता चलेगा वो टर्मिनेटिंग हो के नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन पता चलेगा, लेकिन हम जो थ्योरम पढ़े हैं जितना भी हम थ्योरम पढ़े हैं वो इसको हम अप्लाई करके हमको कैसे पता चलेगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसे पता चलेगा हम थ्योरम पढ़े हैं, पहले हम किसको देखेंगे क्यू को देखेंगे, क्यू क्यू का अगर किस फॉर्म में होना चाहिए, वेरी गुड 2^n and 5^n, ये फॉर्म अगर आ गया तो हम क्या होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्या करेंगे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125, इसमें सीधा सीधा रूप में 5 हमको पता है, 5 6 जा 30 12 5 2 जा 10 5 5 जा 20, फिर 5 होगा 5 1 जा 5 12 5 2 जा 10 5 5 जा 25, देन अगेन 5 क्या होगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 5, तो क्या होगा तो इसको मतलब क्या होगा 13/5^1 2 3 4 5 5 2 5, ये जो 5 2 5 हो गया इसका मतलब क्या होगा दिस इसकी फॉर्म में लिख सकते कि नहीं 13/5 × 2^0, 2^0 तो 1 है 2^5 किसी भी घातांक 0 हो गया तो इसको हम 1 1 के रूप में विचार करते हैं तो 5^5 × 0 सो ये जो डिनोमिनेटर ये क्या होगा 2^n × 5^n फॉर्म में आ गया सो 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा हमको पता चल गया,
मान लीजिए और एक तो एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे सिक्स बाय फिफ्टीन, सिक्स बाय फिफ्टीन तो क्या करेंगे, ये जो टू इंटू थ्री बाय फिफ्टीन क्या होगा, थ्री इंटू फाइव क्या होगा, थ्री थ्री एलिमिनेट हो गया तो टू बाय फाइव हो जाएगा, ये नीचे जो फाइव है तो ये क्या होगा, टू बाय फाइव टू दावर वन इंटू टू दावर जीरो हो गया, तो ये टर्मिनेट, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वन ट्वेंटी थ्री बाय, नेक्स्ट देखेंगे वन ट्वेंटी नाइन, वन ट्वेंटी नाइन बाय टू स्क्वायर फाइव सेवन, टू स्क्वायर फाइव सेवन सेवन का फाइव, तो क्या होगा, तो वन ट्वेंटी नाइन प्राइम नंबर्स, ये जो सेवन टू द फाइव हो गया ये बच गया, ये इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग हम नहीं कर पाएंगे। सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन बाय टू हंड्रेड टेन अगर करेंगे क्या होगा, इलेवन इंटू सेवन बाय क्या होगा, सेवन इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव, सेवन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, तो सेवन सेवन तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इलेवन बाय टू इंटू फाइव इंटू थ्री होगा, तो ये जो थ्री बच गया इसके कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नंबर वन। बाकी जितना सारे नंबर है इसको आप लोग खुद भी कर, खुद ब खुद कर सकते हैं। तो नंबर टू को आएंगे, नंबर टू नंबर टू दे रखा है, राइट डाउन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारा था सिक्स बाय फिफ्टीन, सिक्स बाय फिफ्टीन को कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है हमको पता है, तो क्या करेंगे, क्या होगा, टू इंटू थ्री बाय थ्री इंटू फाइव, ये थ्री थ्री एलिमिनेट हो गया, डिस्कूल क्या होगा, टू बाय फाइव, तो फाइव टू वन हो गया, डिस्कूल क्या होगा, टू इंटू टू दावर वन बाय फाइव इंटू टू दावर वन, तो क्या होगा, टू टू जार फोर, फाइव टू जार टेन, तो जीरो पॉइंट फोर, ये डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। जो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है इसको, इसके बारे में हम सोचते हैं, जो टर्मिनेटिंग है इसके बारे में सोचते हैं, जैसे फिफ्टीन बाय सिक्सटीन हंड्रेड, फिफ्टीन बाय सिक्सटीन हंड्रेड, तो इसको हम क्या करेंगे, थ्री इंटू फाइव क्या होगा, सिक्सटीन हंड्रेड, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू हो गया, तो ये क्या होगा, एक तो फाइव एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, फाइव एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन थ्री एलिमिनेट नहीं होगा, जिस को क्या होगा, तो ये हो फिफ्टीन रह दीजिए, फिफ्टीन बाय क्या करेंगे, टू टू दवार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू दवार सिक्स इंटू फाइव टू दवार टू, तो क्या करेंगे, इंटू फाइव टू दवार फोर इंटू फाइव टू दवार फोर करेंगे, तो ये भी हो जाएगा, तो क्या होगा, अभी टर्मिनेट हो जाएगा, फिफ्टीन इंटू फाइव टू द फोर, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव, सिक्सटी फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव, सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी फाइव, सिक्स ट्वेंटी फाइव बाय टू टू दावर सिक्स, टू टू दावर सिक्स इंटू फाइव टू दावर सिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, फिफ्टीन फाइव जार सेवेंटी फाइव सेवन, फिफ्टीन टू जार थर्टीन थर्टी सेवन थ्री, फिफ्टीन सिक्स जार नाइन्टी नाइन्टी और थ्री नाइन्टी थ्री बाय टू इंटू फाइव टू दावर सिक्स, इज ऑल्सो नाइन थ्री सेवन फाइव बाय वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव, इसका मतलब ये आ गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव। इसी रूप में हम किसी भी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इसको
डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। दोनों तरफ ये नंबर को हम कैसे फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे, तो ये जो प्रोसेस में हम कर चुके। इसके बाद नंबर थ्री, लास्ट नंबर, नंबर थ्री उस पर क्वेश्चन दे रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी नंबर है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड व्हेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल देन एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यू व्हाट कैन यू से इन द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। एनी नंबर में भी रेशनल और नॉट। 43 ये नंबर दे रखा है, 43.1234567899, दिस इज टर्मिनेटिंग, बिकॉज दिस इक्वल्स क्या होगा, दिस इक्वल्स ये होगा 4312345678 by 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इक्वल्स टू ये होगा 4312345678 9 by 10^1 2 3 4 5 6 7 8 9 10^9, तो दिस इक्वल्स टू 4312345678 9 by 2^9 × 5^9, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर्स, दिस इज टर्मिनेटिंग एंड द क्यू। इफ दे आर रेशनल देन एंड द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इक्वल्स टू दिस, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। सेकेंडली, सेकेंडली द नंबर इज गिवन दैट 0.0120 1200 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 and so on. This is non-repeating. This number is non-repeating. So this is non-repeating. A non-repeating, non-terminating. Terminating भी नहीं होगा, non-terminating भी होगा. So ये irrational number होगा. ये non-repeating, non-terminating. नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये रिपीटेड से रिपीटेड हुआ नहीं, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार जो है ये दे रखा है दूसरे नंबर 43.1234567 89, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 9 9 होगा, तो ये रिपीटिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो इसका हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्यू का फॉर्म हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका जो पी बाय क्यू में फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का जो है इस फॉर्म में 2^n × 5^n फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये सारे क्वेश्चन थी, सारे क्वेश्चन हम रियल नंबर का सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे जितना प्रश्न थे, जितना उस क्वेश्चन प्रश्न थे सबको हम डिस्कस कर चुके। अगर कोई किसी को डाउट होगा तो जरूर डीबी प्रोडक्शन बीजेच में मैसेज कीजिएगा, तो हम जरूर इसका जो इसको क्लैरिफाई करेंगे, आपका आंसर जरूर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। हम नेक्स्ट क्लास जो होगा इसका पॉलीनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन, थैंक यू।